हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी सर्विस। गाइस, अगर आप भी परेशान हो चुके हैं, आपकी वीडियो भी सर्च लिस्ट में नहीं आती है, टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 में भी नहीं आती है, तो आपको क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर अक्सर नए यूट्यूबर जो गलती करते हैं, वो बहुत ही लोग 99% यूट्यूबर जो नए नए होते हैं, वो इसमें गलती कर जाते हैं, जिस वजह से उनकी वीडियो क्या होती है, वो टॉप 10 में या टॉप 5 में नहीं आ पाती है। वो जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे टाइटल भी करते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी गलती करते हैं, और टैग में भी बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे सुधार करें, जिससे कि हमारा जो वीडियो है सर्च लिस्ट में आए। और सबसे मेन बात है, थंबनेल आप अट्रैक्टिव नहीं बनाते होंगे। आपको सबसे मेन बड़ी बात होती है, थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना है। ऐसा बिल्कुल थंबनेल बनाना है जिसमें माइंड में उनको सेट हो जाए, भाई इसका मीनिंग कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर, देखने चाहिए, और आपकी वीडियो में वो विजिट कर सके। इस प्रकार से वो थंबनेल बनाना चाहिए, वो सारा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कहीं जाएगा मत, वो स्टेप आपको देखना है, जिससे कि आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में भी आने लगे। मैं भी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कैसे आती है। तो चलिए उस वीडियो शुरू करते हैं, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। गाइस, हम आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब का डैशबोर्ड खोल लेना है, और अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ youtube.com को, और यहाँ पे अपनी वीडियो को मैं दिखा देता हूँ कि कैसे वो फर्स्ट नंबर पे आती हैं, और आपको भी कैसे लाना है इस वीडियो को अपनी सर्च लिस्ट में। तो यहाँ पे जैसे मैं सॉफ्टली रिटर्न प्रोसेस डाल देता हूँ, या कुछ भी डाल दीजिए, आप भी खुद चेक कर सकेंगे आप अपने मोबाइल पर, कि जो मेरी वीडियो होंगी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर अंदर ही आपको रैंक करती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट आ जाती है वीडियो, सेकंड थर्ड भी आ जाती है, यहाँ पे दो वीडियो बीच में फिर एक और आ जाती है, फिर एक वीडियो आ जाती है, ऐसे करके बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी। ये वीडियो बहुत नीचे तक जाएंगे आप तो मेरी वीडियो आपको मिलती ही रहेंगी। आप एक दो एक फिर आ गई, एक ये आ गई है हमारी, फिर से ये आ गई। तो हम इस प्रकार से हम अपनी वीडियो को कैसे रैंक करा सकते हैं, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मेन प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी रैंक ही नहीं आती है, तो हम कैसे करें। तो हम सबसे पहले आपको एक वीडियो का डेमो बता देते हैं करके, जैसे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ दो पेज में इसको डाइवर्ट कर रखा है, क्योंकि एक पेज में आप समझाना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे टाइटल मैंने बता रखा है, यहाँ पे आपको टाइटल मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टाइटल रहेगा, यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा, और यहाँ पे हमारा टैग रहेंगे। इसके नीचे ये टैग रहते हैं, आप मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको भी दिखा देता हूँ। ये हमारा टैग यहाँ पे वही सेम टू सेम टैग रहेंगे। अब इनका कमाल क्या होता है, इनको जब आप वीडियो को सर्च लिस्ट में लाना होता है, तो इनका महत्वपूर्ण रोल इन्हीं का होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स का, तभी आपकी वीडियो रैंक आती है, अन्ना बहुत मुश्किल पड़ जाती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है गाइस, इसमें कहीं एडिट ना हो जाए कुछ भी, थोड़ा सा मुझे संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरी रैंकिंग ही ख़राब हो जाएगी, है ना। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्क हो जाता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब मेन चीज पे, फोकस करते हैं। फोकस जैसे कि मान लो आपने टाइप किया हाउ टू रिटर्न, फिर से यार वही चीज़ प्रॉब्लम आ रही है मेरे में, एक सेकेंड। हाँ, जैसे कि आपने टाइटल लिखा यहाँ पे हाउ टू रिटर्न ऑर्डर, और यहाँ पे हाउ टू रिटर्न प्रोसेस, और सॉफ्टवेयर ऑर्डर रिटर्न कैसे करें, तीन हमारे अलग अलग टैग हो जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अब क्या करना है इसको, जब आप ये तीन चीज़ों को डाइवर्ट कर देंगे अलग अलग सेंटेंस में, जैसे हमारे एक सेंटेंस ये हुआ, एक हमारे एक, और तीन सेंटेंस हमारे बन चुके। अब हमने क्या किया, जो पूरा यहाँ पे टाइटल था, यहाँ पे जो टाइटल था, इसको माफ़ कीजिएगा, इसको मैं अगर येलो कर लेता तो बहुत बेहतरीन रहता, या ब्लू कर लेता। ठीक है, इसको ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ब्लू कर लिया। यहाँ पे आपको हाईलाइट करेगा कि हाउ टू रिटर्न ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन ट्रांसलेट मैंने किया, और यहाँ पे वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे
तो बहुत बेहतरीन रहेगा कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे डाली है, जो हाउ टू रिटर्न ऑर्डर डाली है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू रिटर्न ऑर्डर। अब ऑर्डर रिटर्न तो किया, लेकिन इससे मैंने इसको कनेक्ट किया, फिर मैंने इसको इससे कनेक्ट किया। जब तक ऑर्डर सॉफ्टली ऑर्डर प्रोसेस नहीं आ जाता है, तब तक मैं यहाँ पे इन चीज़ को कनेक्ट करते जाऊँगा। इससे मैंने इसको कनेक्ट किया, इसको इससे किया, अब देखेंगे सॉफ्टली ऑर्डर रिटर्न प्रोसेस। यहाँ पे सॉफ्टली ऑर्डर जब तक नहीं आ जाता है, मैंने इसको कनेक्ट करते गया, ठीक है। अब इस वाले वाक्य को सबसे मेन फोकस था हमारा सॉफ्टली ऑर्डर रिटर्न प्रोसेस, ये हमारा इतना फोकस था। फोकस वाक्य हमारा कितना था, सॉफ्टली ऑर्डर और सॉफ्टली ऑर्डर और सॉफ्टली रिटर्न प्रोसेस, ये हमारा मेन वाक्य पॉइंट था। इन चीज़ को सबको हटा देते हैं। अब पहले आ जाते हैं, हमने ये चीज़ पे हमने फोकस किया था, ये चीज़ हमने यहाँ पे भी डाली थी और ये चीज़ हमने यहाँ पे भी डाली थी, और सॉफ्टली रिटर्न प्रोसेस यहाँ पे भी डाला, सॉफ्टली रिटर्न प्रोसेस हमने यहाँ पे भी डाला, सॉफ्टली रिटर्न प्रोसेस यहाँ पे भी डाला। सॉफ्टली ऑर्डर रिटर्न कैसे करें, सॉफ्टली ऑर्डर रिटर्न कैसे करें, सॉफ्टली ऑर्डर रिटर्न कैसे करें, यहाँ पे भी हमने डाल दिया तीन चीज़। अब इनसे रिलेटेड आपको लिखना है, सबसे मेन चीज़ आपको मैंने बताया होगा कि आपको हर चीज़ में ऑर्डर मिलेगा, आप चीज़ में ऑर्डर मिलेगा। और क्या गया, यहाँ देखेंगे ऑर्डर, यहाँ देखेंगे ऑर्डर, यहाँ देखेंगे ऑर्डर, यहाँ देखेंगे ऑर्डर, या प्रोसीड ऑर्डर सॉफ्टली, तीन वाक्य हमने लिए थे, वो तो तीनों चीज़ें इनमें मैच कर रही हैं, जैसे प्रोसीड सॉफ्टली ऑर्डर, सॉफ्टली सॉफ्टली ऑर्डर, यहाँ चीज़ें डिफाइन कर रही हैं कि आप इन तीन चीज़ अगर टैग में रखोगे तो आपके 100% जो टैग रहेंगे वो रैंक रहेंगे। देखिए ऑर्डर आपके यहाँ पे प्रोसेस भी रहेगा, और जो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है या इन टैग को कॉपी करके मैंने यहाँ पे कवर टॉपिक में डाल भी रखा है, जैसे हाउ टू रिटर्न सॉफ्टली ऑर्डर, हाउ टू रिटर्न सॉफ्टली ऑर्डर, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने वही चीज़ यहाँ पे डाली, वही चीज़, ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ से यहाँ तक डाल दिया है। अब मैं आपको फिर से डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ से जो चीज़ मैंने यहाँ डाली है वो चीज़ मैंने यहाँ से यहाँ पे डाल रखी है, वही चीज़ मैंने यहाँ से यहाँ डाल रखी है, वही चीज़ मैंने यहाँ से यहाँ डाल रखी है, बिल्कुल आप कैच करेंगे, वही चीज़ मैंने यहाँ दी है, वही चीज़ मैंने यहाँ दी है, वही चीज़ मैंने यहाँ दी है। तो इस प्रकार से आपको एक चीज़ ध्यान देखना है, जो चीज़ इससे मैच करे हमेशा उसको कनेक्ट करते जाना है, अगर नहीं कनेक्ट करेंगे तो वो टैग हमेशा रैंक नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में थोड़ा मोड़ा तो आया होगा, नहीं आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट भी जरूर कर देना, और नहीं आया तो मुझे बताओ और मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आपको हमेशा याद रखना है, जो चीज़ मेन फोकस आपका था सॉफ्टली ऑर्डर, तो हर चीज़ में या सॉफ्टली आना चाहिए या ऑर्डर आना चाहिए, तो हर चीज़ में देखिए सॉफ्टली ऑर्डर भी आया, सॉफ्टली ऑर्डर आया इसमें, इसमें प्रोसेस आया है, ऑर्डर आया है, इसमें आया है ऑर्डर, इसमें आया है सॉफ्टली, इसमें प्रोसेस आया है, इस प्रकार से इसमें आते रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टैग है रैंक करें, तो इस प्रकार से आपको लगाना चाहिए। तो गाइड वीडियो का यहीं तक समाप्त करते हैं, और आगे का प्रोसेस अगर आपको जाना है और भी अच्छे से तो लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, और मैं आपको नया वीडियो भी इस पर दे दूँगा। तो वीडियो यहीं तक रहने देते गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।